अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। ख्वातीन हजरात, शादी करो ना, ये मैं कोई आपको ऑफर नहीं दे रहा हूं या कोई मशवरा नहीं दे रहा हूं, शादी करो ना। शादी एक अलग चीज है, कोरोना एक अलग चीज है। इसका मतलब है कि कोरोना एक बीमारी और शादी, आप खुद समझते हैं कितनी बड़ी बीमारी। कोरोना का दौर 2-2.5 साल अजाब बन के रहा हमारी जान पे। इतनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी हीरोइनें जो टॉप वन थी, जिनकी अम्माओं के नखरे इनसे ज्यादा थे, बेबी के लिए जूस मंगाओ प्लीज, बर्गर ले आओ, पिज्जा ले आओ, और मेरे लिए सिगरेट का पैकेट, सब घर पे बैठ गए। कोरोना, कोरोना ने बड़े बड़े आर्टिस्टों को घर पे बिठा दिया। घर पे बैठ गए, उनको पता चल गया आटे दाल का भाव। जिन हीरोइनों को घर का पता नहीं था, चीनी कहां रखी है, पत्ती कहां रखी है, वो किचन में मास्क लगा के ऐसे चाय बना रही हैं जवान की बच्ची जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रही हैं, गुर्दा निकाल रही हैं, किसी को बेच के फिर आल्टो खरीदेंगी। पहले की शादी जब कोरोना नहीं होता था, शादियां होती थी बगैर कोरोना के, आय हाय मजा आता था। अम्मा को पूछो कहां जा रही, बहू देखने जा रही हूं, चांद का टुकड़ा है। 6 महीने बाद वही बहू चांद का टुकड़ा भूसी टुकड़ा हो जाती। खानदान वाले सारे जमा हो जाते थे, डांडिया भी खेल रहे हैं, गानों पे डांस भी हो रहा है, खाना पीना, गले मिल रहे हैं, इतना रश होता था कि उसमें से दूल्हा निकालना बड़ा मुश्किल होता था। वो दौर था कोरोना से पहले का। कुछ बजा भी लिया करो, पैसे नहीं लेते। और अब कोरोना में जो शादियां हुई, अल्लाह माफ कर, दूल्हा अकेला खड़ा था, कोई नजदीक नहीं जा रहा, अकेला खड़ा होता, हाथ ले गए, कोई मिला लो यार, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, कोई नहीं मिला रहा। ऐसे लिफाफे फेंकते थे दोस्त, ऐसे, ओए तूने 500 दिए थे, ये 1000 दे रहा हूं, पकड़ लिफाफा। इस मौसम में शादी कर लिए बताओ। तो ऐसा सिस्टम हो गया कि दूल्हा दुल्हन को अगर कोरोना में घर में लेके आए, दुल्हन को कमरे में भेजा, दूल्हा को अम्मा ने कहा बेटा जा अपनी बीवी के पास। मैंने अम्मा अभी नहीं जाऊंगा, 15 दिन का क्वारंटाइन जो होता है ना वो पूरा करके जाऊंगा। कोरोना में जो शादी होती थी, ओहो ड्रेसिंग देखने वाली थी, जैसी औरत ने साड़ी पहनी वैसा ही मास्क लगाया। औरतें कीमती कीमती मास्क लगा रही हैं, मर्द बेचारे वही 10 रुपए वाला काला वाला मास्क जो नाक पे लगाओ तो उसकी डंडी नाक पे लगते मुड़ जाती। एक तो मेरी को होस्ट का पता नहीं चलता, बिस्मा अभी तक नहीं आई है यार। वेरी गुड, माशाल्लाह से लड़कियों की बड़ी उम्र है, अभी याद किया, अभी आ गए। तुम्हारी लंबी उम्र है, इंशाल्लाह तुम हाईवे पे काटोगी। इतना लेट कैसे हो गए, हमेशा ट्रेन की तरह लेट आती हो तुम। लाला आपको पता है मैं अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ के आ रही हूँ। अच्छा, कौन सा ड्रामा कर रही हूँ? मेरा सीरियल आने वाला है कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक, वो लंबा टाइम का सीरियल नहीं है? सीरियल का नाम है कयामत? जी बिल्कुल नाम है ये। अरे आज जो हमारी गेस्ट आ रही है ना, किसी कयामत से कम नहीं। आय हाय क्या परफॉर्म करती हैं। अच्छा, ख्वातीन हज़रात, लेडीज उनकी बड़ी फैन है, मैं भी बड़ा फैन हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादीशुदा हूँ इसलिए वो मेरी फैन नहीं है, मेरी बहन है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मेरी बड़ी इज्जत करती है, बड़ा काम किया इंडस्ट्री में और बहुत मेहनत से अपना नाम बनाया, और एक्टर एक्ट्रेस कितनी अच्छी हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। आपकी तालियों की गूंज में मैं बुलाने लगा हूँ हमारी टीवी की लेजेंड हीरोइन नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मतलब है, यहाँ कुछ और सिस्टम है, हमें दूर से सलाम कर दिया, मैं मजार हूँ। लड़कियां हैं ना? नहीं लड़की, माशाल्लाह। आप बैठे तशरीफ रखें, बात करते हैं नीलम आपसे भी अभी। बिल्कुल, माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छे ड्रेस आपने पहना। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगता है आपका सारा उधार खत्म हो गया। अल्लाह, उधार खत्म मतलब उधार, हाँ उधार खत्म हुआ तो नए सूट आए। वाह वाह क्या बात है, तालियां। मुनीर की यही खूबी है कि वो बर्जस्ता जो जुमले देती हैं
और हम उसको जो एंजॉय करते हैं। नीलम मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपका ये तिल नहीं होता फिर आप क्या करती? तो मुझे लगता है मुझे ज्यादातर लोग पहचानते नहीं। मैं जब विदाउट मेकअप या बिल्कुल घरेलू हाल में होती हूँ, एयरपोर्ट आती जाती हूँ, तो लोग कहते हैं अरे हमने आपका आपके मोल से पहचान लिया। तो मैं सोचती हूँ अच्छा सिर्फ विदाउट मेकअप भी नहीं विद मेकअप भी, तो ये कहते हैं कि हमने आपको पहचान लिया। लेकिन अब जब से मास्क लगाना शुरू किया तो मुझे समझ आ गई नहीं मेरी आंखें भी प्यारी हैं, उससे भी लोग मुझे पहचानते हैं। मैं मास्क लगा के कभी जामा कला जाता हूँ, मुझे औरतें ऐसे धक्के देती हैं, पहलवान औरतें हैं वो, पता नहीं क्या। नहीं तो माशाल्लाह से आप प्ले एंटरटेनमेंट पे जिस तरह के आप कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो फिर आपको पकड़ना और पहचानना मुश्किल ही होगा ना हमारे लिए। अच्छा नीलम मुझे ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में कब और कैसे आना हुआ? बस मुझे लगता था मैंने हीरोइन ही बनना है, बचपन से मुझे बड़ा शौक था एक्टिंग करने का भी। कैसे आ गई ये तो वाकई में नसीब की बात होती है। नहीं मैं तो रिक्शे में आया था, मुझे पक्का याद है। तो फिर मुझे भी याद करने दे मैं कैसे आई थी। मैं गाड़ी में आई थी जब अच्छा। मैं क्लास 9th में थी तभी मेरे अम्मी बाबा ने मुझे गाड़ी दी। नीलम अगर आप इस शोबीज में नहीं आती तो फिर आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करती? कौन सी फील्ड? फिर मैं लॉयर होती। लॉयर? आप अगर आप लॉयर होती अदालत में तो वहां भी आप यूं कर रही थी? आपको पता है आप कितनी सही बात कह रहे हैं। मेरी अम्मी ने आज मुझे समझा के भेजा, खबरदार अगर मेरे बालों का हाथ लगाया तो मैं मुझे आई डोंट नो मुझे एक आदत है ये, कभी मैं ऐसे राइट पे कर देती हूँ कभी मैं ऐसे लेफ्ट पे कर देती हूँ। तो कहने के भाई अपने बालों को हाथ ना लगाना। माशाल्लाह आपने फिल्में भी की टीवी की, तो मैं समझता हूँ इस वक्त आप बहुत अच्छी लड़कियां हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन आपके काम का एक स्टाइल अलग है, और जिस तरह आपने एक मेरा बड़ा अच्छा ड्रामा है जो मैं वो अक्सर यूट्यूब पे देखता हूँ, तो कयामत जी ओफ, क्या आपने अपनी बहन का बदला लेने के लिए जो गई और उसकी परफॉर्मेंस, तो ये जो उसमें जो आपने रोने वाले सीन भी किए हैं और जो उस कैरेक्टर उसमें जो आपने बताया, ये ऐसे आप पर्सनल जिंदगी में तो ऐसे नहीं है या हैं? हक को पसंद करती हूँ मैं पर्सनल लाइफ में भी। अगर मुझे मैं घबराती नहीं हूँ, मुझे अगर किसी से कोई बात कहनी होती है तो मैं कह देती हूँ। और एहसन ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया, जो आंखों में आंखें डाल के आपने काम किया ना, कसम खुदा की उसने भी बहुत अच्छा काम किया। वो लड़का भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसने जो छलवार उठा के जो एक्टिंग की है, वो आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं आपके शो में आऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर आप दोनों को बिल्कुल आप दोनों साथ आइएगा। फोन आ रहा है मेरा, बहुत अर्जेंट, अभी लेना होगा इसे। ले लो। हेलो, हाँ राशिद बोलो। बात सुनो, फौरन घर आओ, तुम फौरन घर आओ। देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने अब्बू के घर रुकने आई हुई हूँ और एक हफ्ते से पहले मैं नहीं आऊंगी वापस। मेरी बात सुनो, तुम्हें कहा ना फौरन घर आओ। तुम यहां भी आ गए, क्या बकबक कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, चलो। शौहर किसी वैशी जानवर या दरिंदे को नहीं बोलते। बकबक बंद करो अपनी, वरना मेरा मीटर घूम जाएगा। ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे, तुम भी तो कम सुनती हो। ऊंची आवाज में बात ना करो तो क्या करूं? मेरे बाप का घर है ये, किराए का है। मेरी पेटी मुझे वापस करो। पेटी? हाँ। कौन सी पेटी? आम की पेटी। क्या कर रही हो? मेरे कपड़ों की पेटी बोल रहा हूँ। मैं क्या करूंगी तुम्हारे कपड़ों से? स्त्री करोगी और क्या। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, चलो निकलो यहाँ से। क्यों, पोछा लगा रही हूँ क्या यहाँ पर? क्यों निकलूँ यहाँ से? देखो अभी मेरे अब्बू ने तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आजकल कौन है तुम्हारे अब्बू? अब्बू जी बताइए जरा। मैं अब्बू कहाँ से हो गया भाई? ओ भाई मैं दादा हो गया हूँ। और सलवार तू छोड़ के खड़ा हो जा भाई, क्या हो गया तुझे, यहाँ के बारिश हो रही है? दादागिरी किसी और को दिखाना है? हाँ मेरा मीटर घूम गया ना, पता चल जाएगा। ओ भाई एक मिनट, इसका जवाब मैं दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारा और इस घर का मीटर दुरुस्त करने। अब पता चलेगा। और तू मुझसे कह रहा है कि मीटर तुम जो है मेरा मीटर गुम हो जाएगा? अबे हम तो वो कौम है जीरो मीटर करके बिजली इस्तेमाल करने वाले, तू हमारा क्या मीटर करेगा? ठीक, क्या बात कर रहा है? ओ भाई ये मेरे से नगर ना, ये चल निकल। क्या बदतमीजी है ये, चलो चलो चलो, समझे? ये इफ्रा नहीं है, ये बिस्मा है, बिस्मा तेरी माँ, समझे? इफ्रा, चल निकल। इफ्रा यहाँ है। इफ्रा ये सारा तुम्हारी वजह से हो रहा है,
सारा तुम्हारी वजह से हो रहा है ये फ्रॉम। राशिद चले जाओ यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम। अरे जाओ। यूं करके घूम रही है। अच्छा वो तो फिर भी हीरो लगेगा, छलवार ऊपर करके मेरे जैसा आदमी फिर भी बनमानस लग रहा होता। बैठ जाओ यहाँ पे। कौन था ये? लाला ये मेरा कोलीग था। अच्छा? हमारा सीरियल आ रहा है ना कयामत से कयामत तक। अच्छा? तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे हम। अच्छा जी बिल्कुल। कैसा लगा नीलम आपको हमारा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने राशिद निफ्रा को देखा। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने सारे डायलॉग्स इतने अच्छे बोले। आप खाने में क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है जो मैं आप सोचती है ये मैं ज्यादा खाऊं? जैसे मेरा दिल चाहता पाए खाने का, नारी खाने का। फेवरेट क्या आप क्या पसंद करते? लाला मुझे तो खाने पीने का बहुत शौक है। मैं तो कहती हूँ मुझे वर्ल्ड वाइड जो फूड फ्री होना चाहिए था क्योंकि मुझे टेस्ट करने का बहुत शौक है। अरे पेट भर के नहीं खाती। शौक पाकिस्तानी खाने मुझे बहुत पसंद है। हलीम पाए पराठा मक्खन चाय एवरीथिंग। आज क्या खाना पसंद करेंगे हमारी तरफ? क्योंकि हमारी तरफ भी समझ ले फ्री है। मैं जो ना मेन्यू होस्ट पे छोड़ती हूँ। राजा खिड़की में आ जा। आ तो माशाल्लाह जख्मी बिल्ली की तरह आ रही है। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? काम करने का पैसा लेता हूँ। हाँ। इज्जत करने का नहीं। अच्छा इज्जत करने का नहीं, इसको इज्जत नहीं दो। इसको टकेगा करके रखो, उसको बोलो ये पैसा पकड़ भाई, काम नहीं है तेरा। अरे बताया मुझे बुलाया क्यों है यार? यार कौन आया पहले वहां तो देख। कैस का आया हमारे। ओह माय गॉड। मर जा जमीन में घुस जा, दफन हो जा। ये देखे चंद्रमुखी है, यहाँ देखे ज्वालामुखी। अच्छा आज तुमने पार्टी बदल ली। रोज रोज आने से ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, बंदा भांसी लगने लगता है कि रोज ही ये मुंह मिलेगा। चल भाई निकल। खाने का पूछो, सेलिब्रिटी है। हाँ खाने का, मगर मेरा दिल हो रहा है इनसे बात करने का। दो मिनट बात। मेरा भी दिल हो रहा है इनसे बात करने का। इतना अच्छा वेटर है, टॉकेटिव, डिफरेंट। हाँ डायलॉग सुने, मुझे एक्टिंग का शौक आया हुआ अभी। हाँ हाँ जज साहब, खूबसूरत होना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं। एक बल्ली भी ले ले, बल्ली तू पीछे बहुत जाता है, बंदा अटका कर रखे तुम। इनसे पूछ क्या खाएंगे। क्या खाएगी आप? क्या खिलाएंगे आप? अगर ये मर गया ना नीलम, मैं केस कर दूंगा आप पे, ये बता दूं। आप थोड़ा आंखें खोल कर गुस्से अंदाज में देखे, ये हर आदमी को फकीरनी को पैसे देते हुए एक घंटा लगा देता है। हाँ हकीकत बात है, मुझसे तो भिखारन भीख मांगते हुए डरती है कहीं प्रपोज ना कर दे। वैसे आप पे शेर आया एक बड़ा जोर का, भाई ये दिल पतंग होता उड़ाता गम के धागों से, बनाता इश्क का मांझा लड़ाता हुस्न वालों से। वाह वाह। एक और आ गया, अभी आपने याद करवाना है मुझे। मैं करवा दूंगा, एक और शेर अर्ज कर दूं। कर लो आज। आप आज बन ही नहीं रहा, शेर ही नहीं बन रहा, वरना यहाँ रोज आना है। ये बाजी को भूल गया अपनी। अब क्या करे, आज सेलिब्रिटी ऐसी आई है कि दिल ही नहीं हो रहा कि इनसे बात करे बंदा। मैं अपने डायरेक्टर से बात करूंगा भाई, जब हसीन कोई सेलिब्रिटी आए ना, इसको अल्लाह के वास्ते है ना छुट्टी दे दी। हाँ। अरे भाई वाइट जोड़ा पहन कर हमें मार डालोगी। हाँ। ये दिल हमें दे दो, इसका क्या अचार डालोगी। वही लोग मुझे कहते थे तू नीलम मुनीर रखती है, बिल्कुल 19-20 आज मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, तुम तो नीलम मुनीर का तो एक्सरा भी तुमसे खूबसूरत होगा। नीलम ये हमारी रशीदा खाला है मोहल्ले में, ये यहाँ ऐसे ही आ जाती है। ये समझती है कि ये कोई मार्केट वार्केट है, मेरे चलते शो में आती है। मैंने बोला आप चलते शो में आ जाती है, कह रही चलता शो पाके और मैं वजू से हूँ। आई नीलम आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे तू। पहले बताओ पेट अपना या कुछ लगा के। चलो लेडीज है ना, कोई बात नहीं। आई नीलम एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे आज। मेरे से आज डांस कर ले, डांस आए करते आज करे। अब बजाना अपनी बूबू बजा।
ये तो बहुत फास्ट म्यूजिक है, हम एक काम ये करते हैं। अम्मा की पसलियां उतर गई। भूल गई मैं डांस करना, भूल गई। इनके सामने हम अपने डायलॉग भूल जाते हैं, अल्लाह की कसम। मैं चुड़ैल है ना, चुड़ैल इनसे डांस सीखने आती है, अल्लाह माफ करे। अपने बच्चों को कह रही होती, खाला गुजर रही है साइड में, हो जाओ खाला, तुम्हारा पिता भी कमजोर है, तुम्हारा दिल कमजोर, तुम्हारे गुर्दे कमजोर है, तुम्हारे शुगर इतनी हाई रहती है, ब्लड प्रेशर, तुम जमीन पे क्यों लौट के नाच रही है? घबराहट हो रही है। हाँ खाला, क्या करूं खाला, डॉक्टर के पास चले फिर से। अरे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लाला ही डॉक्टर के पास इतना जाता है, रोज जाता है, रोज जाता है, लोग समझते हैं डॉक्टर का लड़का है। नहीं जाया करो ना इतना, वो सही कह रही है वो। लेकिन उन्होंने इतने स्टेप्स किए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। अब स्टेप्स लिया। क्या लिया? स्टेप्स। ये यानी स्ट्रेचर। अरे क्या चीज स्पेलिंग बताओ। तुम्हें तो घसीट के ले जाएंगे, वो क्या गाड़ी की जरूरत थोड़ी है। आज नीलम आ गई ना, मैं एनर्जेटिक हो गई। बताओ कल डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दी, कहने लगी तुम्हारी दवाई बहुत कड़वी है। बोले क्या दवाई के साथ 2 किलो मिठाई भी लिख दूं। इसके घर में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, डाकू आए, तलाशी लेते लेते बेहोश हो गए। अरे हमारी खाला बड़ी मशहूर है, जब भी ब्रेक मारो ना बस के पीछे यूं लगी हुई होती, हिली होती है। एक दफा तो शीशा ही टाप गई थी मैं। नीलम तुम हस्ती बहुत अच्छा भाई, बिल्कुल 19-20। रशीदा खाला आपको आवाज भी नहीं आ रही आज मेरी। बोले बोलना बोलना। आज आपको याद ही नहीं आ रही, आज आपको मेरी याद ही नहीं आ रही। और आए नीलम, आप पता है क्या, इसके घर में ही बहुत अफराद है, पता है इसके घर में एक बंदा ना ईद मिलने आया, तीसरे दिन निकला है वो। मगर देखे ये इनकी अच्छाई कि आज ये हमारे साथ हैं, इतने मेहमानों से अगर आप इतनी फुर्सत निकाली थी, मैं आपके साथ। इनकी जुल्फों के हम कायल थे, इनकी जुल्फों के हम कायल थे, मगर इनको जुओं के बड़े मसाइल थे। राजा तुम तो बचो मुझसे बात। नहीं नहीं, मैं तनख्वाह यही देगी, ये तो बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, ये तुम्हें पूछेगी, अभी खाने का वक्फा होगा ना, तुम जाते हो ना जब इसका परोस आता है तो आलू के चिप्स बचा लेना जरा, अब इसमें आलू के चिप्स। खाना ला, खाना ला। आप बताएं, आप खाना मंगो। हाँ भाई खाना ला। खाना, बोले बोले। अच्छा मैं एक काम ये करती हूँ, एक हल ही है और क्या है, ये 1,000 रुपए का नोट मैं आपको देती हूँ। जी 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 जी, ठीक। क्या लाऊं इसके लिए? इसका खुला ले आए। वाई खाना तो प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आएगा ना। हाँ तो ये फिर मैं रख लूंगा। नहीं नहीं क्यों रखोगे, वापस करो। अच्छा बताया क्या, मैं बहुत थक गई हूँ डांस कर करके ना, मैं जा रही हूँ, मैं वो जिस काम से जा रही हूँ ना मैं बता नहीं सकती। नीलम प्लीज बता के जाए, आप किस काम से जाएंगी? असल में ना मेरा रिश्ता आ रहा है। खाले आपके अपने बाल वाइट है, आपने डाई किए हुए वाइट? मैंने वाइट किए हुए, डाई नहीं किए हुए, असल में इसी में मेरे हुस्न पे मरे। अल्लाह करे मैं रात को सोऊं सुबह उठूं यहाँ तिल निकला हूँ बिल्कुल नीला बुरी की तरह। निकल जाएगा, पीछे ही दामाद जला हुआ है, रात को गरम गरम लगा लेना, सुबह तक जम जाएगा। खाला बार बार इसको देख के चप्पल क्यों उठाती है, आपको पूरी नहीं आती? खालू आ रहे, जब दुआ करना, एक ही खालू हो, मैं ये चाह रही थी बस। हाँ। देखे ना, हाथ पकड़ जरा मुझे, मेरे खुशी में नजर नहीं आ रहा। नीलम नीलम आई आई, मैं अभी आई। कैसा लगा आपको ये हमारे शो में इनकी एंट्री, कैसी लगी आपको? बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया। एक्टिंग हम आपकी देखते हैं, अल्लाह आपको डायरेक्टर भी बनाया, प्रोड्यूसर भी आप बनने वाली हैं माशाल्लाह से। तो सिंगिंग का कभी कोई शौक हुआ, कभी कोई गाना ऐसे गुनगुनाती हैं कभी? नहीं मैंने कभी भी गाना नहीं गाया। क्यों? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, सच्ची बात बताऊं। कोई ऐसा कोई बंदा नजर ही नहीं आया जीवन में कि जिसको देख के आपने ऐसे हल्का सा गुनगुना दिया? नहीं। बाद में उससे कहो भाईजान रास्ता दे दें, हट जाओ। नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं। मैंने आपको जरूरत, शादी भी आगे घर की तकरीबों में भी नहीं गया?
वो तो जो 10-20 लोग बैठे होते हैं तो बीच में एक मैं शामिल हो जाती हूँ, वरना मैंने कभी गाना गाया नहीं। बहुत हो रहा होता ढोलक पे, नहीं चमड़ी से बजा रही हूँ। तो हमारा एक सेगमेंट है जो आपको बिस्मा बताएंगे। बिल्कुल, एक सेगमेंट है हमारा यहाँ पे, माशाल्लाह काफी सारे सिंगर्स यहाँ पे आते हैं, कॉमेडियंस यहाँ पे आते हैं जो कि अपने टैलेंट शो करते हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से हमने यहाँ पूरा एक सेट तैयार किया है उनके लिए। तो आज भी माशाल्लाह हमारे साथ ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं जिनका नाम है फिज़ा बेग, तो वेलकम करते हैं उनको। आप सब दोस्तों की तालियों में जो घर पे बैठे उस वक्त देख रहे हैं, जैसा कि बिस्मा ने बताया कि न्यू टैलेंट आ रही हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुरीली आवाज़ है। एक शो में मैंने उनको सुना, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनको इनविटेशन दी कि आपने मेरे शो में आके गाना है और मेरे शो को रिस्पेक्ट देनी है। तो आ रही है फिज़ा बेग, तालियां। मैं तनु समझावा की ना तेरे बाजू लग दाजी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजू लग दाजी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैनू नु माणे, जीना मेरा है मरना एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तैनू समझा बाकी ना तेरे बाजू लग दाजी। Outstanding, बहुत ही जबरदस्त आपने गाया है, बहुत मजा आया आपको सुन के, मैं तो लिटरली ट्रांस में चली गई। मुझे बहुत और इतना डिफिकल्ट गाना था। माशाल्लाह, वेरी नाइस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक और गाना सुना सकती हैं हमें। ओके, नाजिया हसन जी का बहुत ही खूबसूरत सा गाना। वाओ, बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल, yes. इजाजत से। प्लीज प्लीज। हाँ, डिस्को दीवाने, हे डिस्को दीवाने, आहा आहा, नशीली है राग हाथों में हार, नाचे सितारों के साथ, चंचल बदन ये चंचल दहन, नाचेगा ये साथ, डिस्को दीवाने, आहा आहा, la 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 bahut acche fiza mashallah very nice mashallah बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा गाया, मजा आ गया। सिंगिंग से ये फायदा तो हो गया कि मैं आपकी आपसे मिल पाई हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतना अच्छा आपने गाना गाया। अब हम बात करेंगे, मैं आपका नंबर लूंगी और इंशाल्लाह हम जल्दी काम भी के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात यह है नीलम, इस बच्ची की, कि ये एक शो में मिली, मैंने इससे कहा, मैंने कहा तुमने हमारे शो में आना, इसने कोई बात नहीं की, कहने सर आप मुझे सिर्फ जो लोकेशन भेज दें। तो मैंने लोकेशन भेजी और अपने टाइम पे आ गए। फनकार देखे ये होता है, यस, कमिटमेंट। थैंक यू फिजा, थैंक यू हमारे शो में आने का।
बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम नाजरीन, वापस आ गए हैं ब्रेक से। लाला, अब वक्त हुआ है एक और सेगमेंट का, और वो सेगमेंट क्वेश्चन आंसर्स का है, यानी आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे। परेशान नहीं हुए, बहुत इजी सवाल। सवाल जब भी आता है ना सामने तो मैं हिल ही जाती हूँ, क्योंकि तो क्या सवाल आने वाला है, कैसा भी सवाल हो वो बहुत इजी है, बस हाँ। आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, उसके जवाब आपने देने। ठीक है, तो लाला स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, आप शुरू करें। पहला सवाल आप। ठीक है, पहला सवाल मैं ही कर लेती हूँ। तो नीलम, आप हमें ये बताइए, आपने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है? कैसे, मतलब फिटनेस के हवाले से या अब तक जो मैं काम कर रही हूँ? जी बिल्कुल, फिटनेस के। नहीं देखिए, यू नो विद टाइम वेट भी बढ़ता है, फीचर्स में चेंजेस भी होती हैं, लेकिन मैं, मुझे लोगों से प्यार बहुत मिलता है, जो कि मुझे आज तक, शायद मैं इसलिए जिंदा भी हूँ और खुश भी हूँ। सो लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं फिट हूँ, उनकी वजह से मुझे अपने आप को रखना पड़ता है। आपको पता है कहीं ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, आपको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है अपना फेस और बॉडी वाइज, तो फिर आप उसमें क्या करती हैं? तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो बिल्कुल मैं डाइट फूड पर चली जाती हूँ, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। समटाइम्स हम लोग सुबह 5 बजे उठे होते हैं और रात के अगले 5 बजे तक हम लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। सो लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं 89 में शो करने गया था, 2 माह हम लोग बाहर रहे थे अमेरिका के, मेरा ख्याल 17-18 स्टेट में हमने शो किया था, मैं, उमर भाई। जब हम 2 महीने बाद पाकिस्तान आए ना, तो उस जमाने में नया एयरपोर्ट नहीं था, सीढ़ियों से उतरते थे, तो मैं उतरा और मैं सजदे में गिर गया, चूमने लगा। उमर भाई कह रहे क्या कर रहा है, मैं कहा भाई ज़मीन चूम रहा हूँ पाकिस्तान की। कहना मैं समझा लाला 1000 का नोट होगा जब ही गिराया नीचे, वरना नहीं गिरा। तो इस मुल्क को तो हम कहीं भी जाएं, अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं भी जब वापसी पे उतरी हूँ ना, तो मेरी भी आंखों में आंसू होते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ, नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आई आज के शो में, बहुत खुशी हुई, और अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। नहीं, नॉट एट ऑल, आपकी वजह से मेरा वक्त इतना अच्छा गुजरा, यादगार शो है, मैं यकीनन देखूंगी और शेयर भी करूंगी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, बहुत कम ऐसे शोज लाला नहीं है अभी, ये आई थिंक प्ले एंटरटेनमेंट की मैं अगेन बोलूंगी, उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हम सबको, इवन मुझे भी एज ए गेस्ट इन्जॉय करने का मौका मिला, मैंने लाइव कॉमेडी देखी जिसके लिए लोग बाकायदा टिकट्स लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो मैंने आज इस तरह से देखा, तो मुझे बहुत मजा आया। नीलम, एक आपने टीवी का एक प्ले किया था बिखरे मोती, जी वो जो प्ले था जिसकी जो स्टोरी थी, बच्चों के साथ जो जनसी ज्यादती होती है उसके ऊपर जो ये खेल बना, और आसिफ ने बड़ा अच्छा रोल किया, तो आप क्या समझते हैं इस किस्म के खेल होने चाहिए, इस किस्म का हमारे मीडिया में ये आना चाहिए? मेरे लिए वो स्क्रिप्ट बहुत डिफ़िकल्ट था बिखरे मोती, क्योंकि उसमें मेरा जो बेसिकली वो दिखाए थे, मेरी जो बहन थी उनके बच्चे होते हैं, मैं फिर मेरे बहनों से निकाह हो जाता है, मैं बच्चों के लिए करती हूँ, उनकी एजुकेशन के लिए कि वो पढ़ सकें और अच्छे से मैं ख्याल रख सकूँ, लेकिन माँ माँ होती है, कहीं पैसे दिखाए कि बच्चे इग्नोर हो गए, क्योंकि उनका जो बाप होता है वो नशा करता होता है उस ड्रामे में, और जो कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो यकीनन बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर होता है एक्सेप्ट करने के लिए, कि क्या मैं ये कैरेक्टर करूं या मैं ना करूं, आसिफ शहजाद के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस ड्रामा में, लेकिन मैं जब लिटरली, जब मैंने वो ड्रामा कर रही थी और जब मैंने ख़त्म, आई यूज़ टू क्राई, मेरे जब उस बच्चे के साथ सीन होते थे ना, मुझसे वो सीन नहीं होते थे, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, और मैं कहती थी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स डायलॉग्स जो है ना मैं नहीं भूल पाती थी, वो एक होता ना एक इंसान की एक कैफियत होती है, तो मैं उस बच्चे को अपने साथ बस, जबकि वो एक ड्रामा था, वो एक सीरियल था, लेकिन मैं ऐसे रखती थी ऐसे, तो और मैंने जितने भी लाला ड्रामास किए, मैंने हमेशा कोशिश यही की कि इस तरह के इशूज़ पर काम किया जाए, ताकि हम लोगों को दिखा सकें, किसी को समझ आए, किसी का दिल पिघले, कोई किसी के साथ ज्यादती ना करे, क्योंकि एज एन एक्टर जब हम इसमें से गुजरते हुए जाते हैं तो वो चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में भी आ जाती हैं, हम उसे फील करने लगते हैं, शख्सियत का हिस्सा। तो हाँ, तो मैं तो बच्चों से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, लेकिन वो तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आपने आते ही मुझे कहा कि आपकी पोती कैसी है, मेरा बेटा दिखाता रहता वीडियो, आपने कहा जी। तो ये तो जाहिर है कि फनकार जो है ना हसास है, बहुत हसास, बहुत जल्दी महसूस कर लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है ना।
आसिफ की बात थी तो आसिफ ने वो कैरेक्टर किया। यस बिल्कुल किया। मैं समझता हूँ बड़ा नामवर एक्टर ये नहीं करता क्योंकि उसका फ्यूचर लगा होता है दाव। आसिफ शहजाद के साथ जब हमारे सीन्स भी हुए थे तो कहते थे कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बोलूँ, मैं इसको अभी कैसे देखूँ बच्चे को ये, तो वो हमारे लिए भी मुश्किल होता है। उन्होंने तो बकायदा एक कैरेक्टर किया है तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत अच्छे से निभाया। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बड़ा प्यार, आप हमारे शो में आई, हमारे शो को इज्जत दी और आपको शो पसंद आया, यही हमारे लिए ऑनर है। बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय की, बहुत सी बातें मेरे दिल में थी जो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको करूंगा। हाँ जी समझ गई थी मैं। नहीं नहीं आप बहुत प्यारी हैं। हाँ। मैं चाहता हूँ कि शो का इख्तिताम जो है, एंड जो है, वो आपके अल्फाजों से हो, नेक ख्वाहिशात से हो हमारे लिए। इसका वाइंड अप करें, फिर मैं उस वाइंड अप पे एक गाना आपके लिए डेडिकेट करूंगा। अरे बड़ी मजा आया शो पे, बहुत ज्यादा एंजॉय किया उलाला पे, और वाकई उलाला था, बहुत ज़्यादा हम हंसे, डांस भी किया। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने आप लोगों के साथ बहुत इन्जॉय किया, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने भी किया होगा। अब मैं तो जा रही हूँ लेकिन मैं आपको देखूंगी टीवी पे आपके तमाम शोज़ को। बहुत ही अच्छी टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट, एवरी वन, म्यूजिशंस, थैंक यू वेरी मच, मुझे इतनी इज्जत दी आप लोगों ने, लिटरली आप लोग लेजेंड्स हैं और आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी दें। और आपने ये शो देखना है, यूट्यूब पर भी देखना है और इसे इन्जॉय करना है, कोई एपिसोड मिस नहीं करनी अगर आप मेरे ट्रूली फैंस हैं तो। मेरी नीलम मुनीर, हमरी नीलम मुनीर, तुमने शो को सजाया मजा आ गया। ओ हमरी नीलम मुनीर, रंगीन नीलम मुनीर, तुमने शो को सजाया मजा आ गया।